एवरीवन, मायसेल्फ रमन शर्मा एज एन आईएलटीएस ट्रेनर, स्पोकन ट्रेनर। आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड अ ग्रामर। ग्रामर में भी मैं आपको क्या टीच करूंगा, दैट वुड बी पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक चाय को बनाने के लिए उसमें हमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें डालनी पड़ती हैं। कार्डेमम हो गया, क्लॉव हो गया, जिसको हम लॉन्ग इलायची बोलते हैं, दैट्स फाइन। द सेम थिंग इफ यू पीपल वांट टू पॉलिश योर इंग्लिश, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश पॉलिश हो, सिंपल इंग्लिश से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश हो, थोड़ी सी स्टाइलिश इंग्लिश हो, और कोई बच्चे होते हैं जो आईएलटीएस में अपनी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है। क्योंकि आज मैं आपको वो चीजें टीच करूंगा जो आपने आज से पहले सीखी तो होंगी, मगर इतना डीपली आप कभी भी नहीं गए होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं टीच करूंगा आपको प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सारी चीजें एक ही वीडियो में डालूंगा, और आज के बाद आपको इंग्लिश में ग्रामर में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल रमन आईएलटीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियोस वैल्यूएबल होती है, आपको अच्छी लगती है, आपको नॉलेज मिलती है, आपके किसी भी फील्ड में मेरी वीडियो आपको काम आती है, तो कम से कम अपने 2-3-4-5 अनकाउंटेबल दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट वुड बी ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एवरीवन, जिवें कि मैं तुहानूं हुणे समझा चुके हैं कि अज दा जिहड़ा मेन टॉपिक मैं तुहानूं पढ़ाउण लग्गिआ, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। मैं ग्रामर नहीं कहिंदा इहनूं, मैं इहदे इक होर नेम है जिहड़ा यूज करूंगा, दैट वुड बी अ कंप्लीट ग्रामर। वीडियो बड़ा टेस्टी होण जा रहा है, बहुत एवें दीआं चीज़ां ने जिहड़ियां मैं तुहानूं टीच करूंगा। फर्स्टली आपां इच काउंटिंग ऐड करदे हां, दैट वुड बी वेरी फाइन, 6, 7, 8। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एवें दा चैप्टर हैगा, पार्ट्स of speech, English नू जे polish करने का। If you people want to polish your English, ता याद रखियो जिंदगी दे विच, ये वीडियो ताडे लई एक बून है जिहड़ा वो बन के सामने आएगी। बून हुंदा वरदान जिहनू आपां कहिंदे आ, है ना। तां सब तो पहली चीज नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, ते चलो मैं तुहानूं एक एक्स्ट्रा चीज होर पढ़ा दूंगा, दैट वुड बी अ वर्ब। जिहड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच हुंदे आ आपणे कोल, 9 टाइप दे हुंदे आ, मैं तुहानूं एक एक टाइप नूं प्रॉपरली वैल्यूएबल तरीके नाल पढ़ाऊंगा, ते डेफिनेटली तुहानूं इस वीडियो नूं देखण तों बाद तुहाडी ग्रामर है जिहड़ी ओह इन्नी पॉलिश हो जाएगी, तुहाडी राइटिंग स्किल नूं, तुहाडी स्पीकिंग स्किल नूं बहुत ज्यादा इहदे नाल हैल्प मिलेगी। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के मैं ट्रिक्स ने जिहड़ियां वो पढ़ाउंदा जाऊंगा। सब तो पहले आप नाउन है जिहड़ा वो क्लीयर करते हैं, मतलब नाउन मतलब नेम, कोई भी नाम, किसी जगह का नाम, कोई प्लेस हो सकती है ना, जा कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई फील हो सकता है, जिन्हां चीजां दे भी नाम वो नाउन है। तो यह मैं पहला भी शायद एक वीडियो के दसा सी, CPCMA, मतलब सिंपल जी गल है, सी चाह पकौड़े चटनी मम्मी आ जा। आह वाह, क्या बात है ना, इन आप चलो ऐदा करके तुहाडी हेल्प हो जाएगी, थोनू याद रखना सौखा हो जाएगा। CPCMA मतलब पहले की है चाह पकौड़े चटनी मम्मी आ जा, याद रखने का बिल सिंपल है। एक बार मेरे पीछे रिपीट करके देखो, चाह पकौड़े चटनी मम्मी आजा, मतलब की हो गया, याद रखने के लिए की हो गया, दैट वुड बी अ कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन 5 काइंड देगा। तो यदि वैल्यू कितने कितने यूज होते हैं मैं तुम्हें वो भी दस दा ना। कॉमन नाउन, कॉमन एक सिंपल नाम है यार, हरेक का नाम होता है। रमन, रमन 50 करते नहीं, मेरे वर्ग के रमन 50 होंगे। कोई भी चीज है, जो मैं कहूंगा भी शेड्स, शेड्स पता नहीं कितने तरह की होंगे, जो आम नाम होंगे,
कोई भी हो सकता है जिथे अपन जड़े खड़े का नाम वही मिल जाए तो दैट वुड बी कॉमन नाउन। कॉमन तो बस हाँ थोड़ा प्रॉपर नाउन बड़ा फील है एक स्पेशल फील दे देगा। स्पेशल फील कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया जिम्मे गोल्डन टेंपल है, गोल्डन टेंपल इको है ना, जो आप कह सकते हैं चंडीगढ़ हो गया वो भी प्रॉपर हो गया। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई नाम लवा ऑटोमेटिकली माइंड में इमेजिनेशन आ जाए, जिम्मे मैं कहा ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो, देखो चाहे कोई बंदा मिले से नहीं मिले पर इमेज वो माइंड च आ गई। पंजाबी सिंगर कहते हैं बग्गू मान साहब हो गए है ना, फोटो की दिमाग से ऑटोमेटिकली आनी दैट वुड बी अ स्पेशल। सलमान खान मिले या ना मिले पर माइंड ने फोटो चक ली, सनी डॉल फोटो चक ली है ना। तो कहने का मतलब की है कि कोई एक एवे का नाम जिमें ताजमहल बोले ताजमहल तो चाहे कोई गया से नहीं गया पर देख गया एक वाइट की इमारत है ना। तो कहने का मतलब है प्रॉपर वो है कि नाम लिया, नाम लिया तो डेफिनेटली इमेज अपने माइंड आ गई दैट वुड बी अ प्रॉपर कलैक्टिव। जब चीजों कट्ठे करके कलैक्ट कराया गया तो सारिया चीजों को इकट्ठा करके एक नेम है जो मैंशन करता, सब चीजों को इकट्ठा करके उनका एक नाम को देना दैट वुड बी अ कलैक्टिव। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 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 इकट्ठे किए दैट वुड बी क्लास, उसको एक नाम दे दिया क्लास। जैसे कूड़े का ढेर होता है ना उसको पूरा पूरा कूड़ा इकट्ठा किया वो गार्बेज होता है, जब बहुत इकट्ठा हो गया दैट वुड बी अ हीप HEAP। चाबियों का गुच्छा हो गया, अंगूरों का गुच्छा हो गया। और एक अच्छी सी बात बताता हूँ ये इसमें होता है, जैसे ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा डॉजन, डॉजन होती है दर्जन है ना, 12 के लिए दर्जनों का डॉजन कहने होने हैं, हाफ डॉजन 6 के लिए हो गए, पर ये मान के लो 2 के लिए 3 के लिए वो डॉजन तो है नहीं का, That would be वो गुच्छे नो अपन इंग्लिश दे विच यूज कर देना, That would be a hands of banana। याद रखियो बनाना दे हमेशा hands होंदे आ, bunch of banana हमेशा गलत हो जूगा। मतलब बहुत सारी चीजां नु इकट्ठा करके एक नाम देना एक कलेक्टिव हुंदा हैगा। तुसी जे जिवें फॉर एग्जांपल आर्मी मैन है ना, उन इंडियन आर्मी के नाम देता बहुत सारे दे विच अंदर आ गए है ना। बहुत सारिया छोटिया छोटिया चीजा इकट्ठा करो उन्होंने एक नाम दे सकते हैं दैट वुड बी अ कलेक्टिव। मटीरियल, मटीरियल च आ गई थिंग्स, जाए आप कहने नॉन लिविंग चीजा मटीरियल होंगे नॉन लिविंग, जिमें कि आप कह सकते हैं कि गोल्ड है एक नॉन लिविंग है, एक कड़ा मैं अपने पाके रखता ठीक है, जे मैंने घरे भी रखे होगा इसका कोई फील है जाके मैंने घरे जाके दूंगा भी हाँ हाँ तुमने छोड़ा नथिंग। मतलब की हो गया ताे घरे मन कर आ चेयर है अज उ पी है ये मेरे को कल बार भी पई होगी ये कड़ा रोगी। एग्जाम्पल सब तो वधिया देना अपने को सारे को कार्स नहीं है ना, है नॉन लिविंग है वो चीजें पेट्रोल डीजल पाओगे तो चलूगी, फॉर एग्जाम्पल रात में तुम कितों आ रहे हो पेट्रोल डीजल है नहीं गया तो आप मुक गया वो थोड़ी ने तरस नहीं खाती है चल मैं तेरे करके तेरे नाल रहती मैं थोड़ा जा तेरे करके 2 किलोमीटर हो चल पूंगी पंप तक ना बाबा ना। मतलब क्यों क्या नॉन लिविंग चीजा जो थिंग्स होंगे जो चीजा जिम्मे गोल्ड हो गया है ना, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गई है ना, प्लास्टिक हो गया, कोई भी चीजा जिदा कोई फील नहीं है वो नॉन लिविंग ने दैट वुड बी मटीरियल। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स आदि ने जिम्मे गुस्सा एंगर लव है ना, प्यार हो गया, हेट नफरत होगी, पर आप किसी बंद थोड़ी कह सकते हैं कि आप इन्हों तोल नहीं सकते मिल नहीं सकते, चल एक फील है मुझे मैं कहा मैं तेन बहुत प्यार करता मैं थोड़ी कहूँ तेन अद्धा किलो प्यार करता, जब मैं तेन कहूँ मैं अद्धा किलो तेरे नफरत है, जब मैं भाइया ईमानदार हाँ एवं कुछ नहीं होंगे जिड़िया चीजा आप तोल के या कुछ नहीं कर सकते दैट वुड बी अ एब्स्ट्रैक्ट। सारा नाउन इन है चाह पकौड़े चटनी मम्मी आ जा, कॉमन प्रॉपर कलैक्टिव मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन आम नाम हो गए कोई भी आम नाम जिन्हें मर्जी, प्रॉपर च पक्के नाम हो गए जेडे एक नाम लो बंदे दी शक्ल आ जे सामने, कलैक्टिव च चीजा इकट्ठिया करो सारे एक नाम दे दो, मटीरियल चीजा जिम्मे नॉन लिविंग ने कोई चाबी है ना, या फॉर एग्जाम्पल लोहा लकड़ पित्तल सोना जो मर्जी है। ते लास्ट आ गया एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट च फीलिंग्स आ गई है ना जिम्मे एंगर हो गया, लव हो गया, ऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया ना, जो मर्जी हो गया। तो यह सारा चैप्टर सीगा नाउन का, आप एक चैप्टर इतने खत्म करते हैं, हम नैक्सट चैप्टर आप हिंट करते हैं दैट वुड बी अ प्रोनाउन। मैं सारे चैप्टर एवं क्लीयर कर दूंगा तो अज तो बाद जो वीडियो लेंथी भी होगा तो बनी ना करियो पर एक एक सैकेंड थोड़े लिए वैल्यूएबल होगा। प्रोनाउन नेम की जगह से अज तक भी प्रोनाउन बहुत धोखा तो पढ़िया पर जिम्मे पढ़ाऊंगा ना बड़ा सॉफ्टली पढ़ाऊंगा। नेम की जगह पे जो चीज आती है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूं साफ शब्दों में बड़े आसान तरीके से, मान लो रमन इज एन इंग्लिश टीचर, रमन इज 27 ईयर
old. Raman is tall. Raman is honest. Raman is clever. जो मर्जी जिन्हें मर्जी यूज कर लो, है ना। बार बार एक बार तो नेम यूज कर लिया, फिर रमन, फिर रमन, फिर रमन, फिर रमन। नाउन इन्ने बार जो आ जाते ना तो आप की करते हैं, बड़े सॉफ्टली तरीके ना समझाना बच्चे। जे तक ध्यान सुनो, कोई बंदा ह्यूमन मैन, मैन है ही, वूमन है ही, कोई भी एनिमल बर्ड या थिंग है तो इट, कदे भी डॉग नाल ही शी नहीं लाते होंगे, गल याद रखियो। यही है कि अभी पुता वगू पालिया, पालिया था मेरे को भी होया, पर डॉग हमेशा इट ही होगा। इट हैज फोर लैग्स, यही नहीं कहना ही हैज फोर लैग्स, ठीक है। हुण जिथे कितने भी बंदे का नाम आऊगा बार बार तो उसे ही नू यूज करो, लेडी का नाम आऊगा शी नू यूज करो, किसी जानवर का, किसी बर्ड का, किसी चीज का नाम आऊगा उसे इट यूज करो। तो सारे ने एक एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल मेन तो दे दी है मैंने, रमन है इंग्लिश टीचर है, उसका रमन नहीं है वो ही है, फिर ही है, फिर ही है, फिर ही है, got it ना। कि जो भी बंदे का नाम है तो ही, जो कोई अपन डॉग दे ऐसे लिखना गया ना, आई हैव वन डॉग, इट्स नेम सीजर, इट हैज केड़ा नेचर है, सॉफ्ट नेचर कह लो चलो, है ना, पर हैगा बड़ा अग्रेसिव हैगा। बार बार की है डॉग है तो मैं इट यूज कर, जे इतने लेडी होंगे किसी बारे भी बोलता तो उसे शी यूज होता, इस तो बाद प्रोनाउन भी याद नहीं, बंदा ही लेडी शी कोई भी चीज है, कोई टेबल बारे बोलना, इट हैज फोर लेग्स, इट्स कलर आहा, है ना, इट हैज अ ग्रेट क्वालिटी, जो मर्जी है, ये अपना प्रोनाउन। अगले पास आ जाओ, एडजेक्टिव सब तो इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों दोस्त ने समझा दूंगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन दी प्रेज करदा है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन दी प्रेज करदा है। हम समझाऊंगा, ही इज अ हिज टीचर, मान लो ही इज अ टीचर बोलता अपने, हुण जिहड़ा टीचर है ना बच्चे वह की है, वह नाउन है, टीचर नाउन है। हुण नाउन नूं डिस्क्राइब जिहड़ा करदा है वह एडजेक्टिव करदा है, उहदे बारे चंगा भी उहदे बारे बुरा भी वह दसेगा एडजेक्टिव। तो यह गल याद रखियो जिंदगी दे विच, जिहड़ा एडजेक्टिव है नाउन तो पहला आऊगा, यह रूल है, जिहड़ा एडजेक्टिव है ना, आ नाउन है ना, एडजेक्टिव हमेशा नाउन तो पहला इत्थे आऊगा, बाद चो आया तो गलत है। एग्जाम्पल देके समझा देना मैं, देखो ही इज अ गुड टीचर, हुण इहदे च पता की होया, टीचर की है अपना नाउन है, पर टीचर के अगे जिहड़ा आ गुड लिखे ना, यह की हो गया अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन तो पहला आऊगा, आपको दसदा ने भी टीचर कहे जाए, ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ बैड टीचर, ही इज अ ऑनेस्ट टीचर, ही इज अ क्लेवर टीचर। टीचर केड़ा है, मतलब क्योंकि के नाउन तो पहला जो आऊगा वो एडजेक्टिव होगा, उसके बारे चंगा, उसके बारे माड़ा जो मर्जी बोल सकता है। मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि नाउन की क्वालिटी नूं डिस्क्राइब करन दे लई एक एडजेक्टिव की लोड़ पैंदी है, तो एडजेक्टिव हमेशा सब तो पहला आउंदा है, रूल है। मैं दो सेंटेंस होर दस दिना, जिवें दिस इज अ बिल्डिंग, हुण आपां नूं ये पता भी ये बिल्डिंग है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, हुण इहदे च टेस्ट की पावांगे, ध्यान नाल देखो। This is a tall building. जिहड़ा tall है वो adjective है। This is a small building. Adjective है ना? This is a strong building. जिन्ने आ सारे ला रहे हैं मैं, इस तो सब तो पहला। हुण सिंपल जा रूल है यार। He is a boy. Normal sentence है, he is a boy. हुण boy नूं आपां दसने भी कहे जा boy. He is a good boy, he is a bad boy, he is a honest boy, clever boy, tall boy, black boy, white boy, जिना मर्जी boy, ते हमेशा boy तो पहला ही आऊगा। ये नहीं होता ना, he is a boy good, rule समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है, adjective हमेशा noun दी praise या insult करूगा, noun नूं describe करूगा, ते noun तो पहला आऊगा, बाद चो आ गया तो गलत है। अगली बारी आ जाओ, adverb, adverb का एक रूल है, adverb praise करता है कल्ले verb दी, एडवर्ब प्रेज करता है वर्ब की। तो एक गल याद रखो, 90% चांस देंगे कि एडवर्ब वर्ब तो बाद क्यों आऊगा, ध्यान देखो। बस ये छोटा जा रूल हैगा, एडजेक्टिव नाउन तो पहला आएगा, एडवर्ब वर्ब तो बाद क्यों आता है। एग्जाम्पल जिमें ही इज अ एग्जाम्पल ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग वो पढ़ा रहे हैं,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚ ਵਰਬ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਟੀਚ ਕੀ ਹੈ ਵਰਬ ਹੈ ਹੁਣ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਚ ਐਡਵਰਬ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਊਡਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵਰਬ ਹੈ ਵਰਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਐਡਵਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਬ 10% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਮੈਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਮੈਨੇ ਐਡਵਰਬ ਹੁਣ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਲਈ ਹੈ ਵਰਬ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਬ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਸ ਇਹ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਕੱਲੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੱਲੇ ਨਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਹੀ ਡਰਾਈਵਸ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਡਰਾਈਵਸ ਰਫਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਫ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਰਾਈਵਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਅੱਜ ਓਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੈ ਥੱਲੇ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਐਟ ਔਨ ਮੇਨ ਮੇਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਇਨ ਐਟ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਰੀ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਐਟ ਔਨ ਤੇ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਨ ਹੈ ਇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਮ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਚੇਅਰ ਆਮ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਆਈ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਚੇਅਰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਈ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਚੇਅਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਹੈਂਡਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਈਵੀਈਐਨਆਈਐਨਜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਈਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 1998 1999 2000 2001 ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਈਅਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ ਜਨਵਰੀ ਇਨ ਫੈਬਰੀ ਇਨ ਮਾਰਚ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਇਨ ਸਮਰ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨ ਆਟਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਇਹ ਇਨ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਟ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟ ਆਏਗੀ ਐਟ 5 o'clock ਐਟ 7 o'clock ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੀਅਰ ਪਲੇਸ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਰਮਨ ਅਕੈਡਮੀ ਐਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੇ ਨਾਈਟ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਟ ਨਾਈਟ ਇਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਨ ਈਵਨਿੰਗ ਐਟ ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਟ ਨਾਈਟ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਔਨ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਔਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇ ਔਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇ ਮੰਡੇ ਸੰਡੇ ਟ੍ਰਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਐਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਔਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਔਨ ਤੇ ਓਵਰ ਔਨ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਔਨ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਔਨ ਉੱਪਰ ਪਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਓਵਰ ਮਾਈ ਹੈਡ
ओवर हवा दे विच कोई चीज मूव करे दैट वुड बी ओवर फ्लाई ओवर क्योंकि उधर गड्डियां मूव करती हैं फ्लाई ऑन नहीं होता ओवर ओ होता है द काइट इज फ्लाइंग ओवर माय हेड कोई भी चीज हवा च मूव करे उसे ओवर कहने का ऑन कोई भी चीज है नॉर्मल ऊपर पई है पर हिल नहीं रही एक होता एन ते इनटू यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इन आप अंदर जाने अपनी शेप डायरेक्ट सीधी होती है आई एम गोइंग इन द रूम इन सीधा आ रहा इन एवें आ शेप च जो हॉरीजोंटल कहने पर जो वर्टिकल शेप च कोई चीज उपरों नीचे आती है ना तो इनटू होंगे एग्जाम्पल ही जंप्ड इनटू द वाटर हूँ उन्हें जंप करिया एवं थोड़ी जंप करे जंप तो उपरों होंगे ना ही पॉट द वाटर इनटू जग कितने भी आप कोई चीज पाने तो उन्हें कहा उन्हें जग के पाया दैट वुड बी इनटू इनटू उपर तो थले ते इन हो गया नॉर्मल ये प्रेपोजिशन ने ये होर भी बहुत ज्यादा ने गया कले कले इस चैप्टर दे दी मैं लास्ट वीडियो भी प्रेपोजिशन का पाया हुआ है तुसी उनू भी देख सकते हो ते इच होर चीज क्लियर कर देना इन ते एट जदों इकट्ठे आउंदे आ ये बड़ा रूल वधीआगा एक सेकंड डेफिनेटली इन वड्डियां प्लेसेस ली एट छोटियां प्लेसेस ली समझा देना I live in Patna. Normal है मैं Patna च रहना पर मैं Patna के मॉडल टाउन च रहना Patna के मॉडल टाउन दो चीजों डिस्क्राइब करने I live at model town in Patna. समझे मेरी गल हूँ जोड़ा छोटा होगा वह सब तो पहला होगा तो अगर एट आऊगा हम एग्जाम्पल देना I live at Patna in Patiala. I live at Patiala. In Punjab, I live at Punjab. In India, I live at India in Asia. समझी ना? At छोटे ली ते in बड़े ली. ये चीज़ें बहुत valuable होंगी हैं. अगली चीज़ आ जाए. Punctuation बड़ी valuable चीज़ ना था. एक आम होता है full stop. Full stop का ना sentence ख़त्म हुई तो नहीं होता है. याद रखिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझाऊँगा. Full stop का मतलब क्या होता है? कहते हैं अंदर देखो. जिथे फुल स्टॉप आ गया एक तो हो गया सेंटेंस खत्म हो गया ओके कितने भी एब्रीवेशन होंगे एब्रीवेशन होंगे शॉर्ट फॉर्म जिम्मे आप बी एड पाने बी एड ना शॉर्ट फॉर्म से बी पा के डॉट पा के ई वी डी पाने होंगे हाँ एम एल ए ठीक है कोई भी आप डेजिग्नेशन पाने जिम्मे इंजीनियर पाने ई आर पा देने डॉक्टर बने डी आर पा देने तो कहने का मतलब जिथे शॉर्ट फॉर्म यूज होंगी है उथे भी फुल स्टॉप है जरा वो अपने यूज अगली चीज आती है कौमा जिथे पाउज होंगे उत्थे कौमा नंबर एक कोई भी आप खबर पढ़ते होंगे ना जिथे पाउज आ गया उत्थे आप कौमे का यूज है आप बड़े वधिया तरीके कर सकते होंगे तो दूजी गल जो आप वेरिएशन देनी हो चीजा च काइंड से वेरिएशन देनी हो जिमें आई लव मैंगो फिर कौमा एप्पल कौमा कीवी कौमा है ना तो होर की चाहिए पाइनएप्पल हूँ जे लास्ट से एक रह गया लास्ट हूँ एंड लीची हुण ये है लास्ट जिहड़ा रहूगा उहदे तों पहला एंड आउणा बड़ा जरूरी है ये ना होवे कि तुसीं एच वी कॉमा पा के सेंटेंस नूं खत्म कर दो एवें कदे भी नहीं हुंदा हैगा आई आई लव रेड कॉमा ब्लैक कॉमा ब्लू एंड वाइट लास्ट वाले तों पहला एंड वर्ड है जिहड़ा उह आउणा बड़ा जरूरी है कॉमा ते पाउज आपां दो चीजां देखियां एक बड़ी होर इंपॉर्टेंट चीज हुंदी है च इह हुंदा क्वेश्चन मार्क सवाल देखो एब्रीवेशन दा जिहड़ी पंक्चुएशन है ना इह बड़ी वैल्यूएबल चीज है मैं दस्सां पंजाबी लिख के हां इंग्लिश दस्सां चलो तुहानूं ही died he died इधे पीछे full stop है इधे पीछे question mark है इधे पीछे exclamatory sign है उन लिखिया एक और चीज़ है he died उन पहले जब आप normal करेंगे भी हाँ he died वो मर गया he died मतलब वो मर गया he died question है he died हैरान पता ही नहीं लग गया इसको वो मर गया उथे की यूज हो गया ही डैड एक्सलामेटरी हम पंजाबी एक और बड़ी वधिया चीज दसदा मैं दसदा रुको मत जाओ जरा आप कहने की रुको यार जाओ ना रुको मत हूँ वैल्यू दसदा कौमे की मैं की करे कौमा उरे लाया कौमा उरे रुको तो बाद मैं बोलिया रुको मत जाओ मतलब रुक जा जान रुको मत जाओ हूँ मैं की करे इन कौमे ना इतों मटेता यही कौमा मैं की करे पुत्र पूरे यूज किया सेंटेंस देखो कि मैं चेंज हो गया रुको मत जाओ कहना मतलब देखो कि वैल्यू कितनी है पंक्चुएशन की समझनी बहुत जरूरी है आप और की चीज देख रहे हैं कि हम
कॉमा कराता मैं तुम फुल स्टॉप दसदा। क्वेश्चन मार्क हमेशा आप सवाल पूछते होंगे किसी बंद तो क्वेश्चन मार्क हो गया तो एक्सलामेटरी साइन, एक्सलामेटरी समझ ना जो हों इधर मैं पा के रखना ये लभना पा आ रहा ये आ रहा एक्सलामेटरी ये होंगे एक लख कोई चीज का वापरना मान के चलो कोई बुढ़ी आ खेत गई टोकरा चुके नीचे सप्प निकल गया सप निकल गया सोच के थोड़ी गई है सप्प होगा तो मैं करूंगा जिम्मे आप पंजाबी एक लख समझ जो अपने टू बी कॉन्टीन्यूड देखा होगा कोई भी चैप्टर है हाफ खत्म हो गया हाफ पढ़े होने ना तो टू बी कॉन्टीन्यूड के उत्ते आपां इह चीज़ नूं देखदे होंदे आ तो इहदा मतलब यह होंदा है कि हरे ये चीज पेंडिंग है तो ये चीज हरे आने का तो डेफिनेटली आपां इह भी सीखण नूं मिलूगा एलिप्सिस होंदे नेगे। तो एक होर बड़ी वधिया चीज दस्सदा ना मेरी ये तो लगभग तुसीं नॉर्मल देखे होगा हाइफन है ना हाइफन हमेशा ध्यान नाल सुणिओ बड़ी वधिया चीज दस्सदा मतलब फादर इन लॉ हम देखो इंग्लिश दे विच फादर भी एक वर्ड है इन भी एक वर्ड है लॉ भी एक वर्ड है पर फादर इन लॉ नु आपने जब इकट्ठा लिखया तो विच हाइफन पाया दा रीजन ये आ नहीं तो ये ऐ बन जो ना भी पिता च कानून कानून पा गया पिता च पर फादर इन लॉ दा सारा साफ हुंदे रहेगे तो कहने दा मतलब की हैगा कि अलग अलग जिहड़े वर्ड दा मीनिंग हुंदा जब उन्हां नु इकट्ठा करके विच हाइफन पाया जांदा है तो उहदा इको स्पैशल मीनिंग है। हुण जे आपां ना इहनू ऐ लिखांगे तां कुछ होर ही बन गया ना फादर इन लॉ ये हाइफन है ये अलग अलग वर्ड नु ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੌਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲਨ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਮਨ ਸੇਜ਼ ਰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਮਨ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਸੇਜ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਡ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਆਹ ਇਹ ਕੋਲਨ ਹੈਗਾ ਕੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਉਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਹਾਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ड्राइव स्लो फिर मैं सेमी कॉलन देता तो अद्धा सेंटेंस वाले बाकी है अद्धा सेंटेंस बाकी ने मतलब कि ड्राइव स्लो लेस्ट यू शुड हर्ट लेस्ट यू शुड हर्ट होना भी ड्राइव स्लो कर ले भाई नहीं तेरे सट लग जूगी। तो कहने का मतलब ये जो है ना ये हाफ सेंटेंस इधर होंगे तो इस तो बाद हाफ सेंटेंस बाद चो जो किसी बंद ना तुम आ दिता लिखे मान लो ड्राइव स्लो देखे तो आता सैमी कॉलन देता तो अगर पता की कहना हाफ सेंटेंस होर बोल पहला क्योंकि पेंडिंग है मैंने पता है पूरे सैमी कॉलन दिता होगा। आज अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा दैट इज कॉल्ड अ कंजक्शन दो सेंटेंसिस आपस से जोड़ना कंजक्शन है एग्जाम्पल जिम्मे एंड हो गया और हो गया बिटवीन हो गया है ना अमंग हो गया ये बड़े नॉर्मल यूज करते हैं जहाँ ईदर और हो गया नीदर एनी आई टी एच नीदर नॉर हो गया ये बड़िया वैल्यूएबल चीजें थोड़ी मैं समझा रहा सारिया हूँ एंड है दो सेंटेंसिस के आपस जोड़ना जिम्मे आई लव एप्पल एंड मैंगो फिर आप यूज कर सकते आई लव आई डू नॉट लव मैंगो एंड एप्पल ना ये तो गलत हो गया ना तो जा दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव दोनों चीजा पसंद नहीं तो आप एंड वर्ड यूज करते हैं एग्जाम्पल आई लव ब्लैक एंड रेड मैं ब्लैक भी बढ़िया लगता है मैं रेड भी बढ़िया लगता है तो एंड वर्ड की है दोनों चॉइसिस या पॉजिटिव हो या नैगेटिव हो। अगली गल और है और दे विच एक चीज मिलेगी आप अपने रिश्तेदार ना अपने नॉर्मल पूछ रहे चाह लोंगे तो ठंडा लोंगे या कुछ भी लोगे चाह पियोगे कॉफी पियोगे रीजन क्या दोनों का मतलब यह हो गया एक चीज मिलूगी
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲੈਣਾ ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਔਰ ਰੈੱਡ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਲੂਗਾ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਔਰ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਔਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਟਵੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਸਵੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਸਵੀਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਰਮਨ ਐਂਡ ਸੋਨੀ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਜਣੇ ਦਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਚ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਸਵੀਟਸ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਮੰਗ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਈਦਰ ਤੇ ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਈਦਰ ਤੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਹਾ ਜਾਂ ਆਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਈਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੂਗਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਈਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਜੇ ਈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਈਦਰ ਪਲੇ ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ ਗਲਤ ਹੈ ਪਲੇ ਵਰਬ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਈਦਰ ਬਲੈਕ ਔਰ ਰੈੱਡ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੀਦਰ ਤੇ ਨੌਰ ਦੀ ਨਾ ਆਹਾ ਨਾ ਆਹਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਨੀ ਲੜਪਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਦਰ ਆਹਾ ਤੇ ਨੌਰ ਉਹ ਨੀਦਰ ਯੂ ਨੌਰ ਯੂਅਰ ਮਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਲਾਲ ਸੂਟ ਨੀਦਰ ਬਲੈਕ ਨੌਰ ਰੈੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਡਨ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਸ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਅਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਕਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਸ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਫਿਫਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਥ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਈਵ ਡਰੋਪ ਡਰੀਵਨ ਕਮ ਕੇਮ ਕਮ ਮੂਵ ਐਂਡ ਗੋਨ ਥਿੰਕ ਥੌਟ ਥੌਟ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਂਤ ਫਾਰਮ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਮਰ ਪੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਊਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਐਡਵਰਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਜਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਜੋੜਨਾ ਹਨਾ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕੋਮੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੱਸਦਾ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਕੱਲਾ ਨਾਊਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਐਡਵਰਬ ਇਕੱਲਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਮਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ